हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले उसके डीप एनालिसिस ज़रूर कर लें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। ये जो शेयर है आपके सामने हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म पे हमें जो व्यू दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक तरह का, अगर इसको हम इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होगा, और जब भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता है तो ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, लगभग यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है 240 रुपये का, तो ये ऊपर की तरफ जितना होता है उतना अपना टारगेट बनता है। तो यहाँ से लगभग ऊपर की तरफ जो हो रहा है 40 रुपये, अगर 280 से जाए तो 320 का होता है, तो 320 का मतलब 310 का भी समझिए, तो यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा खासा यहाँ पे इसमें हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार इस चीज़ का करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो इसने पूरा अच्छे से हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन नहीं किया है, अभी इसमें थोड़ा सा बाकी है। और क्या चीज़ बाकी है अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल तो बना है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक इसमें तेजी भी आई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसमें सेलिंग आई है, और सेलिंग आने के बाद इसने 268 के पास क्लोजिंग दिया है। तो आने वाले समय में हमें क्या करना होगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म में इसमें इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे, पहले भी शॉर्ट टर्म का देख लेते हैं। तो हो सकता है अगर मार्केट जब मंडे को ओपन होता है, ठीक है, तो ये 265 से ओपन हो और यहाँ पे एक वीक बना दे, और जो वो जो वीक होगा वो लगभग 266 से 260 या ये 267 से 266 को टच करके फिर से ऊपर की ओर निकल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक डब्लू टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा, एंड फिर ये इसको ऊपर जाके टच करेगा। तब हमें, जब ये शेयर 278 के ऊपर निकलेगा, तब हम अपनी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई 1 आवर का टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दे। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इन द सेंस इस तरह का होना चाहिए, या फिर इस तरह का होना चाहिए, या फिर इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी पोजिशन जल्द भी बना सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस जो भी होगा 266 के नीचे रखेंगे। तो अगर हम फिर से अपने 1 डे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं, ठीक है। हमें ऐसा इंतजार है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन होगा, और ये यहाँ से शेयर जो है यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है। जब भी ये शेयर यहाँ से निकलेगा तो हमें वेट करना है, जब यहाँ पे निकलेगा तो एक तरह का ये कप एंड हैंडल टाइप का भी पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पे कप बन जाएगा, ये है उसका हैंडल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें अपना पोजीशन बनाएंगे, और अपना स्टॉप लॉस, आप अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 274 या 275 का रख सकते हैं, और आप एक्यूरेट एकदम स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 266 या 265 का होगा, ठीक है, ये जो लास्ट स्विंग होगा उसके नीचे। तो इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और जो पहला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म पे भी 310 का आराम से इसका टारगेट मिल सकता है, अगर ये 278 को फिर से ऊपर निकलता है तो, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे फिर चले जाते हैं, तो अब वो दिखेगा कि ये यहाँ से नीचे की ओर आया है, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे आया है, एंड यहाँ पे इसने लगभग 161 पे ही लगभग 3 बार सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है, एंड ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद ये जो यहाँ पे कैंडल बनाया, मंथली चार्ट पे क्लोजिंग दिया लास्ट मंथ अगस्त का, ये इनडिसिव कैंडल है, और यहाँ पे क्या है कि एक नीचे से भी सेलिंग है, ऊपर से भी नीचे से बाइंग का प्रेशर, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर, लेकिन अभी का जो ये कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, इस मंथ का जो कैंडल फॉर्मेशन आ रहा हो रहा है उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे एक अनडाउट डाउट डाउट वाला कैंडल बना है, मतलब फिर से इनडिसिव कैंडल बना रहा है, ठीक है। अगर और ये यहाँ पे ये जो महीने का कैंडल है, अगर ये सक्सेसफुली 280 के ऊपर क्रॉस दे देता है, ठीक है, 280 के आसपास अगर इसमें क्लोजिंग देता है, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ अभी, तो अगर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये 280 के आसपास अगर क्लोजिंग देता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजिशन बना सकते हैं, और लॉन्ग टाइम का जो गोल होगा अपना वो ऑल टाइम हाई होना चाहिए, जो कि लगभग 500 रुपये के आसपास है, यहाँ से लगभग 40% अपसाइड है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें वेट करना होगा, 280 के ऊपर अगर निकलता है, इस मंथ का क्लोजिंग देता है, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बनाइए, एंड अपना स्टॉप लॉस 240 रुपये का रखिए, तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और अपना जो टारगेट होगा यहाँ से लगभग 40% का होगा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। शॉर्ट टर्म व्यू के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या करना है और कब इसमें बाइंग करना है और स्टॉप लॉस कितना रखना है। अगर आपने पोजीशन पहले से होल्ड ले रखा है इसमें, कहीं पे भी गलती से यहाँ पे पोजीशन ले लिया, ये फिर यहाँ पे लेके अभी तक होल्ड करके रखे हैं, तो मैं यही बोलूंगा होल्ड करके रखिए, और अपना स्टॉप लॉस ये जो स्विंग बनाया था, ठीक है, इसके नीचे रखिए, क्योंकि अगर इसके नीचे निकलता है
अगर ये 263 के नीचे निकलता है तो फिर से हो सकता है ये 257 पे आ जाए या फिर 245 पे फिर से आ जाए। तो आपको कभी भी किसी भी शेयर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए प्लान करके रखे हैं तो भी एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें, उसके नीचे जाए तो आपको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिर से बहुत चीप लेवल पर आपको आगे फ्यूचर में मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू के लिए, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मैंने आपको बता दिया है ना, अगर आपने वो पहले से होल्डिंग रखी है और लॉस में है तो अभी इसमें पोजीशन बना के रखिए, मेंटेन करिए। आने वाले समय में अगर ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के 280 के नीचे ऊपर निकलता है तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। अगर आपको एनालिसिस जरूर पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे हमें अपनी बाइंग पोजिशन बनानी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।